जहां एक और देश भर में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश में उत्तराखंड वासी 2 अक्टूबर को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन अलग राज्य की मांग को लेकर 28 वर्ष पूर्व 1994 को दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर पुलिस प्रशासन द्वारा गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और सैकड़ों आंदोलनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं राज्य के गठन के बाद रामपुर तिराहे पर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के लिए शहीद स्मारक बनाया गया। 2 अक्टूबर को सूबे के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रीगण शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं रामपुर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दे दी। वहीं शहीदों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता है। उनके बलिदान के कारण ही आज पहाड़ के लोगों को उनका हक मिला है। प्रदेश गठन के बाद उत्तराखंड प्रदेश लगातार विकास की ऊंचाई पर बढ़ रहा है, इसीलिए आज के दिन को उन शहीदों को नमन किया जाता है। मुजफ्फरनगर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। जो कांड था उत्तराखंड राज्य के आंदोलन प्राप्ति के लिए, जो हमारे रामपुर तिराहा कांड के शहीद हैं, जो अमर बलिदानी हैं, अमर शहीद हैं, उन सभी को आज हम उनका स्मरण करते हैं, उनका नमन करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण हमारे आंदोलनकारियों की जो भावनाएं हैं, हमारे जो सपनों, जो शहीदों के सपने हैं, उन सपनों के अनुरूप इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। हमने ये संकल्प लिया है और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तराखंड राज्य का निर्माण ठीक उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में हमारे शहीद सोचते थे, शहीद जिस सपना देखते थे, उस सपने को साकार करने के लिए हम अपना प्रत्येक क्षण और प्रत्येक पल उसमें अपना लगा रहे हैं।